ओए बेशर्म इंसान, रमजान का महीना है और तुम शरेआम ये खाने पीने की चीजें बेच रहे हो। जनाब, अगर मैं ये चीजें नहीं बेचूंगा तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? और वैसे भी ये बंद पैकेट वाली चीजें कोई चना चाट वगैरह नहीं है। चल तू बेशर्मी की हद पार करके चना चाट ही बेचना शुरू कर दे, ताकि तू रोजेदारों के रोजे अच्छे से खराब कर सके। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसी बातें करके मुझे गुनाहगार ना करें। तुम लोगों को अगर इस बात की फिक्र होती ना तो तुम ये हरकत ना करते, ड्रामेबाज कहीं के। अब्बा, आज जाते हुए इफ्तारी के लिए कुछ अच्छा लेके आना, आगे भी हम खजूर और पानी से रोजा खोलते हैं। अच्छा मेरे बच्चे, तू टेंशन ना ले, बस दुआ कर आज ये सारा कुछ बिक जाए, फिर मैं तुम्हारे लिए फल लेके आऊंगा। ठीक है अब्बा, मैं दुआ करूंगा, सब कुछ बिक जाएगा। ओ भाई शर्मा, या है कि नहीं तुम्हें? रमजान का महीना है और तुम ये खाने पीने की चीजें बेच रहे हो। रमजान का एहतराम है कि नहीं तुम्हें? रमजान का एहतराम तो है जनाब, लेकिन ये चीजें तो बच्चों के लिए है। अब सारे बच्चे तो रोजा नहीं ना रखते। वो तो बात ठीक है तुम्हारी, जरूरी तो नहीं यही काम करना था, कोई और भी तो काम कर सकते थे तुम। जनाब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है जो किसी को नजर नहीं आती, हर कोई अपनी बात करता है। ओ भाई, ऐसी भी क्या मजबूरी है तुम्हारी? ना तुम खुद रोजा रखते हो, ना ही दूसरे रोजेदारों का ख्याल रखते हो तुम। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, मेरा रोजा है और घर में मेरे बच्चों का भी रोजा है। अब मैं आपको अपनी मजबूरी बताता हूँ जो कि लोगों को नजर नहीं आती। आज से एक साल पहले मेरी टांग टूट गई थी, जिसकी वजह से मैं चल नहीं सकता। मैं लंगड़ा हूँ क्योंकि मजदूरी तो कोई मुझे मिलती नहीं है। ओहो भाई, माफी चाहता हूँ, मैंने बगैर सोचे समझे तुम्हें इतना कुछ कह दिया, माजरत। भाई माजरत की कोई बात नहीं है, जब से रमजान शुरू हुआ है कुछ बिकता नहीं है और लोगों की इतनी बातें सुननी पड़ती है। मैं तो बच्चों को ढंग से रोजा भी नहीं इफ्तार करवा पाता। और रुको भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मोइन नाम है जी मेरा। और रहते किधर हो तुम? वो सामने वाली जो मस्जिद है ना, उसके पीछे मेरा घर है। वालेकुम सलाम चोरी साहब, आपने मुझे याद किया। जी जी, मैंने आपको याद किया। ये कुछ ज़कात के पैसे हैं, जो जो हकदार हैं उन्हें दे देना, मुझे आप पर पूरा यकीन है। जी जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझ पर एतबार किया। मेरी नज़र में है दो तीन हकदार, मैं उनको दे दूंगा। जी ठीक है, ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। मुझे लगता है अब्बू आ गए। अब्बा क्या हुआ आज आप इतनी जल्दी आ गए? प्यार कुछ नहीं बिका? हाँ बेटा कुछ नहीं बिका, बल्कि लोग तो बेइज्जती करते हैं कि रमजान में तुम ये सब कुछ बेचती हो। बाज फिर इस तारी में बाज को पानी और खजूर मिलेगा क्या? हाँ मेरे बेटे, तू परेशान ना हो, हमें हर हाल में अपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक अपने बंदे को हर तरह से आजमाता है। अरे कारी साहब, आप अंदर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा घर ढूंढा है मैंने। खैरियत थी? जी, ये कुछ ज़कात के पैसे थे, अगर तुम चाहो तो ले सकते हो। तो भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद रखा। मैं मेहनत करके रोटी खाने वाला बंदा हूँ, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता मुझे ये लेने के लिए। ये तो बात ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे घर के हालात ठीक नहीं है तो ये ज़कात कोई बुरी चीज़ तो नहीं है, ये तुम ले सकते हो। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने बात की है चोरी साहब से भी, तो ईद के बाद भी वो कुछ पैसे देंगे तो फिर हम इंशाल्लाह तुम्हारा कोई कारोबार शुरू करवा। ठीक है माम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ये काम करवा दें तो मेरे बच्चों की रोजी लग जाएगी। जी अल्लाह खैर करे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये देखो मेरे बेटे, अल्लाह पाक की तरफ से मदद आ गई है। बताओ तुम क्या क्या खाओगे इफ्तारी में? मैं सब कुछ लेके आता हूँ। अब्बा मेरे लिए समोसे पकौड़े और बहुत सारे फल लेके आए। अब्बा ठीक है बच्चा, ठीक है, मैं अभी लेके आता हूँ, सब कुछ लेके आता हूँ। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें, हो सकता है आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे।